हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग वी राइट बेटर। सो गाइज, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे कि कुछ जो बाइक होती है बिना गियर वाली, वो ठंड के दिनों में कैसे जल्दी स्टार्ट हो जाती है। चाहे बर्फ का भी सीजन हो, वो जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो किक वाली बाइक होती है, वो जल्दी से स्टार्ट क्यों नहीं होती, इसी चीज को सीखेंगे। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन इजिली मिल पाए। सो क्या कुछ खास देखते हैं, चलो। सो गाइज, यहाँ पे दो बाइक हैं, एक है किक वाली और एक है बिना किक वाली। एक है यामाहा की वर्जन 4 R15 और एक है आपको रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। सो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको किक मिल जाता है और ये जो वर्जन 4 है यामाहा की, इसमें आपको किक नहीं मिलता है। ये देखिए, ये वर्जन 4 है। सो गाइज, इस दोनों बाइक से हम लोग सीखेंगे आज कि कैसे जो है ठंड के दिनों में ये वाली जो बाइक है, ये आप बर्फ में भी लेकर जाएंगे तो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, पहाड़ों पे भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जबकि ये बाइक जल्दी स्टार्ट क्यों नहीं होती है, इसमें किक है और इसमें किक क्यों नहीं मिलती है, इस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे। सो गाइज, सबसे पहले बता दें कि ये जो दोनों बाइक है, आपको पहले बता दूं कि ये FI इंजन नहीं है, नॉर्मल इसमें एयर कूल्ड इंजन आपको इसमें मिल जाता है। वहीं पे ये जो है, इसमें आपको FI इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम मिल जाता है। सो दोनों जो बाइक है, इस दोनों में यही खेल है, इसी के वजह से ये जो बाइक है ठंड के दिनों में कुछ टाइम लेती है, क्योंकि इसको आपको मैन्युअली आपको स्टार्ट करना होता है और ये जो है आपको ऑटोमेटिक ये चीज को अपने आप को देख लेती है और स्टार्ट हो जाती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, ये जो वर्जन 4 है, ये आपको एक तो BS6 है ही, BS6 तो आप सभी बाइक आ गई हैं, उसके अलावा ये FI इंजन है। इसमें क्या होता है कि आपको ECU मिल जाता है। अब ECU क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब ये है कि ये जो बाइक है, इसका आप समझ सकते हैं दिमाग है। तो ये जो ECU है, ये डिटेक्ट करता है बाइक की जो टेम्परेचर है, उसके हिसाब से ये क्या करता है कि इसमें जब आप सेल्फ लगाते हैं तो ये जो है ऑटो चोक, इसमें जो चोक होता है आपको खुद से मैनुअली नहीं लगाना होता, अपने हाथों से नहीं लगाना होता है, ये ऑटोमेटिक चोक जो है लगा देती है, जिस वजह से ये बाइक जो है स्टार्ट हो जाती है। अब आप कहोगे कि ऑटो चोक कैसे लग जाती है, तो ये जो ECU है, इसका जो ब्रेन है वो डिटेक्ट करती है कि अभी जो बाइक की जो टेम्परेचर है कितना है, ठंडी है या फिर बाइक बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब जैसे ठंड का सीजन चल रहा है या फिर गर्मी का सीजन चल रहा है, उस हिसाब से ऑटो चोक लगाती है। तो ऑटो चोक का भी टाइमिंग होता है, कभी 15 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, वो निर्भर करता है कि बाइक कितने ठंड है, या फिर कभी कभी तो हायर CC में आपको 20 सेकंड, 23 सेकंड, 25 सेकंड, इस तरह से भी ऑटो चोक लग जाते हैं। तो गाइज, यही रीजन है जो इन सब जो बाइक है, ये जो महंगी बाइक्स जो आती हैं, जो भी फ्यूल इंजेक्शन जो वाली बाइक आती है, उन सब में आपको किक देखने को नहीं मिलता है। और जिनमें भी किक नहीं देखने को मिलता है, उसमें आप सोच सकते हैं, उसमें आप जान सकते हैं कि बाइक की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर ज़्यादा है, उसमें ECU लगे होते हैं, इस वजह से वो इसमें किक नहीं मिलते और इस वजह से ये बाइक जो है जल्दी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो ठंड हो या फिर गर्मी हो, किसी भी रीजन में अपने आप को स्टार्ट कर लेती है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, तो ये जो बाइक है, थोड़ी सी गंदी है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। सो यहाँ पे किक मिल जाती है। अब आप जब ठंड हो जाती है तो आपको जब देखते हैं कभी कभी सेल्फ नहीं लेता, तो आप कई दफ़ा क्या करते हैं कि किक मारते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होती है, तो इसमें आपको मैन्युअली इधर आपको चोक मिल जाता है। किधर गया, किधर गया, हाँ ये रहा, ये देखिए, मैं फोकस करता हूँ, यहाँ पे चोक है। जब आप इसको लगाएंगे, खींचेंगे, किसी में इस साइड होता है, किसी में उस साइड होता है, आपको देखना पड़ता है। तो जब आप चोक लगाते हैं तो होता है कि फ्यूल बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाता है, जिस वजह से जब आप किक मारते हैं तो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। सो यही वजह है, क्योंकि इसमें आपको ECU नहीं मिलता है, ये एयर कूल्ड इंजन है, आप देख सकते हैं, ये जब बाइक चलती है तो हवा से ठंडी होती है, जबकि जो वो वाली बाइक है उसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, देख सकते हैं। इसमें आपको कूलेंट वगैरह डालना होता है, यहाँ कूलेंट वगैरह का सिस्टम दिया हुआ है। तो ये जो है, ये आपको दोनों में जो है यही डिफरेंस है, इसी वजह से जो ये बाइक जो है जल्दी स्टार्ट हो जाती है ठंड के दिनों में भी, और इस बाइक में किक क्यों नहीं मिलती,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक है और ये जो है ये आपको मैन्युअली कंट्रोल करना होता है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी कि जो बिना किक वाली बाइक है वो ठंड में क्यों स्टार्ट हो जाती है, उसमें किक क्यों नहीं देते हैं कंपनी, और जो किक वाली बाइक है वो ठंड में क्यों लेट से स्टार्ट होती है। सो ये है इश्यू वाली बाइक और ये है विदाउट इश्यू वाली बाइक। इसके पास दिमाग है, ये बोलती है भैया मुझे ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, इसी हिसाब से आप इसमें चोक लगाओ, उस हिसाब से बाइक स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।